नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है तथा इसके संबंध में भारतीय संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। साथ ही यह जानने का प्रयास करेंगे कि आज से पूर्व किसी सांसद या विधायक पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही हुई है। तो आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री के संबंध में राज्यपाल रमेश वैश्य अपना फैसला ले सकते हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध जा सकता है। यदि हेमंत सोरेन की सदस्यता जाती है तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है और इसे लेकर के कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप क्या है। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम रघुवर दास ने इस साल 10 फरवरी को सीएम हेमंत सोरेन के ऊपर पद के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। उन्होंने इस आरोप में कहा था कि मुख्यमंत्री स्वयं खनन मंत्री रहते हुए रांची के अनगड़ा में अपने नाम से एक पत्थर खादान की लीज स्वयं ले ली थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने दावा किया था कि मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को दिए अपने शपथ पत्र में यह जानकारी छिपाई है। अब यहाँ पर है कि जो मुख्यमंत्री हैं वह एक सरकारी सेवक होते हैं और लीज लेना उनके लिए क्या है, गैर कानूनी है। साथ ही साथ यह जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 का भी उल्लंघन यह माना जाता है। इसी साल फरवरी माह में बीजेपी के नेताओं ने वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त करने की मांग राज्यपाल से मिलकर के की थी। अब इस मामले को राज्यपाल रमेश वैश्य ने इसकी जो शिकायत थी वह चुनाव आयोग को भेजकर उनसे सुझाव मांगा। चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले ही इसकी सुनवाई करके अपना सुझाव राज्यपाल को भेज दिया है। उल्लेखनीय तथ्य है, इससे पूर्व चुनाव आयोग ने शिकायतकर्ता जो बीजेपी पार्टी थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस देकर के अपना अपना पक्ष रखने को कहा है। यहाँ पर चुनाव आयोग ने अपनी पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली है तथा अपने सुझाव को राज्यपाल के समक्ष भेज दिया है। अब समझते हैं कि लाभ का पद होता क्या है। तो लाभ के पद का मतलब उस पद से होता है जिस पर रहते हुए कोई शख्स सरकार की ओर से किसी भी तरह की सुविधा लेने का अधिकारी हो। अब यदि कोई व्यक्ति इस पद का लाभ उठा रहा है तो वह सदन का सदस्य नहीं रह सकता है, यानी आप एक सदन के सदस्य रहते हुए किसी अन्य पद पर नहीं रह सकते हैं। जब कोई व्यक्ति सरकार की ओर से किसी भी तरह की सुविधा का लाभ उठा रहा हो तो इसकी जो व्याख्या है भारतीय संविधान में तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया है। इन नियमों में क्या क्या कहा गया है, सर्वप्रथम हम लोग उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लाभ के पद के संबंध में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर धारा 9A है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की। इसके अंतर्गत लोक सेवकों को भ्रष्टाचार के लिए उन पर कार्रवाई करने का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार या अभिभक्ति के लिए पदच्युत होने पर क्या अयोग्यताएं हो सकती है। तो वह व्यक्ति जो सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार के कारण या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वह उसे जिस दिन से अयोग्य ठहराया गया है उस दिन से लेकर के 5 वर्ष की समय तक वह क्या होगा, चुनाव लड़ने से अयोग्य होगा। यह कहा गया है धारा 9A में। यदि इस मामले में वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध राज्यपाल अपना फैसला सुनाते हैं तो उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। इस संबंध में हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि संविधान क्या कहता है।
तो विधायकों के लिए जो संविधान में लाभ के पद का उल्लेख है वह आर्टिकल 191(1)(a) में किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई विधायक किसी लाभ के पद पर पाया जाता है तो उसकी सदस्यता क्या होगी, रद्द की जा सकती है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई विधानसभा का सदस्य अपने पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं रह सकता है। अब अगर राज्य सरकार यदि कोई कानून बना करके किसी भी पद को लाभ के पद से दायरे के बाहर रख सकती है तो विधायकों की जो सदस्यता होगी उसके लिए वे अयोग्य नहीं हो सकते हैं। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि यदि कोई विधानसभा का सदस्य है तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि वह व्यक्ति सरकार के नियम और कानून का निर्माण करता है या उसमें भाग लेता है। यहाँ पर यदि वह सदस्य विधानसभा का या विधायिका का जो सदस्य है यदि वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर होता है और सरकार उसके लिए कोई भी नियम या कानून लेकर के आ रही है तो वह व्यक्ति स्वयं उस कानून के निर्माण में भागीदारी कर रहा है, तो इस तरह वह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बन जाता है। यानी आप स्वयं नियम बना रहे हैं एवं उस नियम का लाभ भी आप स्वयं ले रहे हैं। अब यहां पर है कि संसद में लाभ के पद का क्या प्रावधान किया गया है, तो जिस प्रकार से राज्य विधानसभाओं में लाभ के पद का निर्धारण किया जाता है उसी प्रकार से संसद में दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए भी लाभ के पद का प्रावधान किया गया है। संविधान में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के लिए लाभ के पद का जो प्रावधान है उसके विषय में अनुच्छेद 102(1)(a) में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए जरूरी है कि वह व्यक्ति किसी भी तरह के लाभ के पद पर न हो। इसमें कहा गया है कि सांसद ऐसे किसी भी पद पर नहीं हो सकता है जहां अलग से उन्हें किसी भी प्रकार की सैलरी या भत्ता या दूसरे लाभ प्राप्त होते हैं। यदि इस प्रकार का कोई भी मामला मिलता है तो अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर ऐसे मामलों में अपना निर्णय करते हैं। यदि संसद में किसी सदस्य के लाभ के पद का मामला सामने आता है तो उसमें राष्ट्रपति का जो लिया गया फैसला होगा वह अंतिम फैसला होगा। यूपीए 1 के कार्यकाल के समय लोकसभा में लाभ के पद की व्याख्या करने के लिए एक बिल पास किया गया था। यहां ध्यान रखिएगा कि यूपीए 1 के शासनकाल में, तो यहां पे हुआ क्या था, सबसे पहले हम लोग उसे जान लेते हैं कि 2006 में यूपीए सरकार में सोनिया गांधी के खिलाफ लाभ के पद का मामला सामने आया था। उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद थी तथा मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उसमें एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। इस परिषद की जो अध्यक्षा थी उसे सोनिया गांधी को नियुक्त किया गया था। उस समय यह मामला बीजेपी के नेताओं के द्वारा उठाया गया और कहा गया कि सोनिया गांधी इस पद पर रहते हुए उन्होंने सरकार से लाभ प्राप्त किया है, इसलिए वे लाभ के पद के अंतर्गत लाभ लेने के मामले में आ जाती हैं। इसी के कारण से उन्हें लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा, यद्यपि दोबारा वो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली से चुन करके संसद पहुंच जाती है। तो यहीं पर यूपीए 1 के शासनकाल में एक बिल लाया गया था 16 मई 2006 को, जिसमें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और 45 अन्य पदों के लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिया गया था। इसके साथ ही हम लोग देख लेते हैं कि जो जया बच्चन समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं 2006 में इनकी भी सदस्यता लाभ के पद के कारण गई थी। 2006 में वो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की अध्यक्षता थी। इस प्रकार वो एक संसद सदस्य रहते हुए एक निगम से वहां पर वह सैलरी भत्ता और अन्य सुविधाएं ले रही थी। यानी ये संसद सदस्य रहते हुए किसी अन्य संस्था से भी लाभ ले रही थी। इसके बाद है कि अब वर्तमान समय में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके पास क्या क्या विकल्प आता है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। मूल रूप से उनके पास तीन प्रकार के विकल्प हैं। पहला क्या है कि यदि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम
की धारा 8 और 9 के तहत चुनाव आयोग इन पर दो तरह की कार्रवाई कर सकता है। पहला क्या है कि उन्हें विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। दूसरा है कि चुनाव आयोग इसे भ्रष्टाचार मान सकता है। तो यदि पहले कंडीशन को हम लोग देखें, विधायक पद के लिए यदि उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है तो वे विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे और विधायक दल जो होगा हेमंत सोरेन को पुनः अपना नेता चुन करके सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के पास में अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। यद्यपि यहां पर हेमंत सोरेन विधायक नहीं होंगे, लेकिन उन्हें 6 महीने के भीतर चुनाव लड़कर दोबारा राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। दूसरी स्थिति होती है कि यदि चुनाव आयोग इसे भ्रष्टाचार का मामला मानता है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9 के तहत एक सर्टिफिकेट जारी कर सकता है जिसके अंतर्गत हेमंत सोरेन पर 5 साल तक चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लग सकता है। इस हालात में वर्तमान मुख्यमंत्री को अपने विधायक पद से इस्तीफा देना होगा तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना नया नेता चुनना होगा जो राज्य में सरकार का गठन करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि दूसरे सिनारियो की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प देख सकते हैं। इस स्थिति में उनको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, परंतु सुप्रीम कोर्ट में वह अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि पूर्व के फैसलों में हम लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी अपने 2 फैसलों में कह चुका है कि खान का लीज पर लेना भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। अब सिनारियो 3 की यदि हम लोग बात करें तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद यदि राज्यपाल को लगता है कि झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास बहुमत नहीं है तो वह झामुमो के बहुमत का समर्थन करने वाले पत्रों के दावों को नहीं मान सकते हैं और नए सीएम को उनके पद की शपथ दिलाने से इनकार कर सकते हैं। इस स्थिति में संवैधानिक संकट से बचने के लिए आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगाया जा सकता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि जब मैं यह वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी थोड़ी देर पहले ही ये खबर आई है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की जो विधानसभा सदस्यता है वह रद्द कर दी गई है और राज्यपाल ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर अपना फैसला ले लिया है। यद्यपि यहां पर उनके चुनाव लड़ने को लेकर के निर्णय अभी नहीं हुआ है। यह जो खबर है यह मूल रूप से मीडिया के अनुसार दी गई है और राजभवन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की है। यद्यपि कहा गया है कि चुनाव आयोग इसकी अधिसूचना जो है कल जारी करेगा, इसके बाद यह पता चल पाएगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हुए हैं या नहीं हुए हैं। इस खबर पर मेरी नजर बनी रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से संबंधित सारे जो प्रश्न हैं यहां पे उनके उत्तर मिल गए होंगे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी एक नए टॉपिक पर, तब तक देखते रहिए मंथन 2.0, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।